संभल सड़क हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। बोलेरो पिकअप की टक्कर से घायल ग्रामीण और एक का इलाज जिस वक्त चल रहा था अस्पताल में, उनकी मौत की खबर है। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। बाकी 4 घायलों का अलीगढ़ में इस वक्त इलाज चल रहा है। राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव भोपतपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे, तभी गाड़ी ने इनको रौंद दिया, जिसमें कि अब मरने वालों का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। तो कुल 9 लोग वहां पर बैठे हुए थे, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी। 5वें का इलाज चल रहा था और बताया जा रहा है कि अब उसने भी नव दम तोड़ दिया है। बातचीत करने के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से ये हादसा हुआ, एक साथ इतने लोगों को एक गाड़ी ने रौंद दिया, अब खबर मिल रही है कि 5वें की भी मौत हो गई है, तो मरने वालों की संख्या कितनी है और जो घायल है उनकी हालत किस तरह की है? जी मैं आपको बता दूं, ये रजपुरा थाना क्षेत्र में संभल अनुक्षा रोड पर जो हादसा हुआ था, इस हादसे में आप इस जो शुरुआती सूचना 4 लोगों की मौत की आई थी, एक आदमी की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में और मौत हो गई है। कुल मिलाकर मृतकों की संख्या 5 हो गई है। वहीं 4 घायलों का भी इलाज जारी है, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद SP DM मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया था। वही इस परिवार की महिलाओं ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया था, जिसे एडिशनल SP ने खुलवाया है। तो कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है और इसमें घटना में 4 लोग घायल हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने के लिए। तो संभल में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। और भारी बारिश से लैंडस्लाइड के चलते सोनभद्र में पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे वहां पर चुरक से चोपन की ओर जा रही मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के चोपन चुनार रेलखंड की यह घटना है। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक से मलबा हटाने और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस हादसे में ट्रेन को भी नुकसान पहुंचा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां इस वक्त पूरे उफान पर हैं। MP उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और बांधों से पानी भी छोड़ा जा रहा है। पानी के चलते गंगा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है। अगर इसी रफ्तार से जलस्तर बढ़ता रहा तो कभी भी गंगा और यमुना डेंजर लेवल को पार कर सकती है। इस साल दूसरी बार जहां संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदी का जल प्रवेश कर गया है, वहीं अब तटीय इलाकों में भी बाढ़ का पानी सामने आने लगा है। जहां पर शहर के दर्जनों निचले रिहायशी कॉलोनियों में एक मंजिल बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सभी स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, उन सड़कों पर अब नाव। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां डेंजर लेवल के करीब पहुंचने को हैं और दूसरी बार अगस्त के महीने में पहली बार बड़े हनुमान मंदिर में पानी आया था, लेकिन इस बार दूसरी बार बड़े हनुमान मंदिर में पानी प्रवेश कर गया है। शुक्रवार को ही पानी यहाँ पर पहुंच गया था, जिसके बाद मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। बड़े हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर विश्राम की मुद्रा में विराजमान है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उसके बाद यहाँ पर निशान चढ़ाने के लिए आते हैं। इन्हें शहर कोतवाल भी कहा जाता है। जो भी अधिकारी शहर में अपनी पोस्टिंग पर आता है, वो सबसे पहले बड़े हनुमान जी के दर्शन पूजन करता है। तो यहाँ पर भी अब बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हालांकि इसके साथ साथ एक किदवंती भी जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि जिस साल माँ गंगा माँ यमुना गर्भगृह में पहुंचती हैं, बड़े हनुमान जी को स्नान कराती हैं, वो साल शुभ होता है। और जिस साल दो बार होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब दो दो बार माँ गंगा गर्भगृह में पहुंची हैं, तो उसके बाद और भी शुभ माना जाता है। और इसलिए भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2025 में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होना है। और अब बात बहराइच की करें तो यहां पर घर के छत पर सो रहे 13 साल के अरमान अली पर भेड़िये ने हमला कर दिया है। घायल अरमान अली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है।
प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच अब इस बच्चे को रेफर कर दिया गया है। वन विभाग के तमाम इंतजाम के बाद भी मेहसी इलाके में लगातार भेड़िए का हमला जारी है। कल सीएम के दौरे के बाद से ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। मेहसी और शिवपुर के 110 गांव में वन विभाग, पुलिस, पीएससी के जवान और जिले के कर्मचारी रोस्टर वाइज गश्त भी लगा रहे हैं, लेकिन भेड़िए का फिर भी कुछ अता पता नहीं चल पाया है और वो लगातार मौका पाते ही लोगों पर हमला कर रहा है। बहराइच में वन विभाग की टीम का सर्च अभियान ऑपरेशन भेड़िया को लेकर लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर भेड़िये का अटैक भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। क्या हुआ वाकया बताइए। 2:30 बजे का क्या हुआ था? वो छत पर चढ़ गया था, छत पर लेटा था, 5-6 आदमी लेटे थे वहाँ पर, दूसरे के छत पर से चढ़ गया और 5-6 आदमी के बिच्चा में लेटा था और उसी पर हमला कर दिया। नवनगरेठी गांव के पास ये इलाका पड़ता है, आपके आसपास क्षेत्र में पानी है कि नहीं है? अभी तो सूखा क्षेत्र है, खेतों में पानी भरा हुआ है लेकिन गांव के अंदर सूखा होगा और भेड़िया ये जो सूखे ऊंचे स्थानों की तलाश में है और रिहायशी इलाकों में इसीलिए भटक रहा है, इसीलिए हमला कर रहा है। जी जी। तो क्या मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस भेड़िया को पकड़ा जाए? जी जी पकड़ा जाए। मैंने भाग इसे कई घटनाओं को लेकर कह रहा है कि भाई सीआर ने हमला कर दिया, कई बच्चे खा चुका हमारे यहाँ आपके गांव में? जी जी, गरेठी है हमारे, बंधा पे है, हिंदूपुरवा, कई बच्चे खा चुका, मंगलपुरवा खा चुका, कई बच्चे खा चुका है। अच्छा। जी, खरनिया टेपरा उपरा सब खा चुका है। बीते कई दिनों से यहाँ पर चल रहा है और यकीनन जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, इस वन्य जीव को पकड़ा जाना चाहिए ताकि मेहसी क्षेत्र के लाखों ग्रामीण राहत की सांस ले सके। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, News 18, मेहसी क्षेत्र, जिला अस्पताल बहराइच। कौशाम्बी में खराब हैंडपंप बनवाने को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल खड़ा हो गया। धारदार हथियार से हुए हमले में 4 लोग जख्मी हुए तो दो समुदाय के बीच बवाल की सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, जिसमें डीएम एसपी भी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने के बाद सभी घायलों के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलमचंद गांव की है। एसपी ने बताया कि आलमचंद गांव में खराब हैंडपंप बनवाने के लिए एक पक्ष प्रधान के पास गया हुआ था, जहां पर किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के साथ पहले पक्ष की कहासुनी हुई और ये मारपीट में तब्दील हो गई। प्रधान के पास एक पक्ष आया हुआ था, जहाँ किसी बात को लेकर उन्होंने कहा सुनी हुई और दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिससे 3 थोड़ा सा चोट आई है और घायल हुए हैं। इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, 4 लोग हिरासत में हैं, उनके खिलाफ उनको कड़ी कार्रवाई की। झांसी में दो पक्षों की मारपीट के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया और थाना परिसर के अंदर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल मदारगंज मोहल्ले में विवाद के बाद हो रहा पक्ष आमने सामने आ गए, दो पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर जमकर लात घूसे और लाठी डंडे बरसाए। एक पक्ष का आरोप है कि गणपति विसर्जन के दौरान यह विवाद हुआ। रविवार सुबह प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे, उसी समय दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और उनको धमकाया भी। इसके बाद ही पूरा विवाद शुरू हुआ। किसी बात को लेकर इनका विवाद हो गया, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हैं, तो घायल का इलाज किया गया है और दूसरे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सोनभद्र में अंधविश्वास में रिश्तों का कत्ल हुआ। तंत्र मंत्र के शक में एक कलयुगी बेटी ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात से आसपास सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में है। आरोपी का 28 साल का बेटा बीमार रहता है। आरोपी को शक था कि उसके पिता की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। आरोपी ने पहले तो माँ को पीटा, पिता के बीच में आने पर आरोपी ने उनकी हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात चोपन थाना क्षेत्र के कानूपान गांव की बताई जा रही है। मथुरा में थाना बलदेव इलाके के आरएसएस कॉलेज के पास दो बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारण की जांच शुरू कर दी गई है।